नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर आपको याद हो तो कुछ किताबें ऐसी लिखी गई हैं जिसमें कि आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की हकीकत पता चलती है कि किस तरीके से जो सुरक्षा अधिकारी हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स हों, कई ऐसे अधिकारी हैं जैसे कि जॉइंट डायरेक्टर जो रह चुके हैं रिसर्च और एनालिसिस विंग में और इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं मलॉय कृष्णधर, उन्होंने 2005 में एक किताब लिखी थी और उस किताब में ये पता चला था कि किस तरीके से इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनको पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरीके से ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जैसे कि फॉर्मर जो रॉ चीफ हैं AS दुलाक। तो जो एक टेल ऑल किताबें होती हैं जिसमें कि हमें वाकई में हकीकत पता चलती है कि किस तरीके से जो आंतरिक सुरक्षा है और जो सुरक्षा के जो अधिकारी हैं और जो CBI है, किस तरीके से उनको पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सब किताबें जो हमने पहले पढ़ी थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो किताबें, उस तरीके की किताबें, उस तरीके के लेख या आर्टिकल्स अब हमें पढ़ने को नहीं मिलेंगे। और वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस फैसले के मुताबिक केंद्र ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो खुफिया अधिकारी हैं और जो सुरक्षा संबंधी जो संगठन है उनके अधिकारी बिना इजाजत के, यानी कि बिना परमिशन के, अब कोई भी चीज पब्लिश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किताब हो, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे कॉलम हो। अगर वो मंजूरी नहीं लेते अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रमुख से, तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। जी हाँ, पेंशन रोक दी जाएगी। और ये जो नियम है, इस नियम को हम क्या कहते हैं, ये है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, जिसका जो रूल है 83A, यानी कि 83A का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है कि अगर आपने बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित की, चाहे वो किताब हो, चाहे आर्टिकल हो या कोई भी चीज हो, तब आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। और ये वो तमाम ऑफिसर्स हैं, रूल में बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया। पहले तो आपको रूल के बारे में बताती हूँ कि रूल एग्जैक्टली सेज व्हाट। उसमें ये लिखा गया है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग वर्क्ड इन एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ RTI एक्ट शैल विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट पब्लिश इन एनी मैनर व्हाइल इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट any information or material or knowledge which is related to the domain of the organization obtained by virtue of working in the said organization। ये जो RTI का हवाला दिया गया है कि जो RTI की अधिनियम की जो दूसरी अनुसूची है उसके तहत 26 organizations आती हैं, जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको आप रॉ कहते हैं, IB, ED, NCB दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और उसके अलावा ITBP, CRPF, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें 26 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अधिकारी जब रिटायर होंगे तो अब इनको एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा और वो फॉर्म 26 कहलाता है, जिसमें कि उन्हें लीगल अंडरटेकिंग एक देनी पड़ेगी कि वो कोई भी संवेदनशील जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कोई चीज पब्लिश नहीं करेंगे, और अगर उनको पब्लिश करना है तो फिर वो बिना इजाजत नहीं लिख सकते। और उनको इजाजत किसकी लेनी होगी, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मौजूदा प्रमुख की। अगर आप रॉ के अधिकारी हैं तो आपको रॉ प्रमुख से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप CBI के अधिकारी हैं तो आपको CBI के प्रमुख से इजाजत लेनी पड़ेगी कि जो भी चीज आप पब्लिश कर रहे हैं क्या वो संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है, क्या वो संवेदनशील है, ताकि जो देश की सुरक्षा है, उसकी सॉवरेनिटी है, उसको हानि तो नहीं पहुंच रही है, और अगर ऐसा होता है तब आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो ये तो सुरक्षा के मद्देनजर जो नियम और कानून में संशोधन लाया गया है उसको लेकर है। कुछ ऑफिसर्स का मानना है कि ये बिल्कुल सही कदम है। आइए कुछ ऐसे ऑफिसर्स को सुनते हैं।
वर्तमान शासनादेश में जो संशोधन हुआ है उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। अगर विगत 24 महीने में कुछ रॉ आईबी के पूर्व अधिकारियों द्वारा जो लेख और पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उनमें जो गोपनीयता भंग हुई है उससे देश का अहित हुआ है। वैसे भी राजकीय सेवा में विशेषकर आईएएस आईपीएस और जो संवेदनशील संगठन हैं जैसे आईबी रॉ बीएसएफ एनटीआरओ सीबीआई ईडी आदि जिनके ऊपर ये प्रतिबंध लागू किया गया है उनके लिए आवश्यक है कि जो गोपनीय विषय उनके समक्ष लाए जाते हैं और जिन विषयों के ऊपर उनकी जानकारी है लेकिन केवल राष्ट्र सेवा के संबंध में उसको सार्वजनिक करने का कोई औचित्य नहीं है और अब ये परंपरा सी बन गई है कि उसको सार्वजनिक किया जाए और सस्ती लोकप्रियता हासिल की जाए। इस सस्ती लोकप्रियता पे नियंत्रण रखने हेतु यह संशोधन आवश्यक था। वैसे भी सेवा में रहते भी अगर कोई लेख प्रकाशित करना होता था या कोई पुस्तक प्रकाशित करना होता था तो अगर वो वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर संबंधित था तो पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती थी। परंतु इसके विपरीत अगर विभागीय प्रकरण के बारे में कोई अगर लेख या प्रकाशन होना था तो पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं विभागीय गोपनीयता और जो गोपनीय विषय वस्तु हैं उनकी पूरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि उसको और उसके बारे में कोई चर्चा ना हो, क्योंकि ये एक शपथ भी होती है कि राजकीय सेवक सेवा के दौरान और सेवा के बाद भी उन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के बारे में कोई चर्चा कोई लेख आदि प्रकाशित नहीं करेगा। ये गैर जिम्मेदाराना होता है और ये जो संशोधन हुआ ये आवश्यक था कि जब हम सर्विस में होते हैं जी तो वी कम टू नो ऑफ सर्टन वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सच मैटर्स व्हिच कैन हार्म द गवर्नमेंट जी इफ दे आर लेट आउट राइट। तो ये उस एंगल से ऑर्डर किया होगा गवर्नमेंट ने। ये रूल पहले भी था कि जो लोग पहले ये था कि जो सर्विस में है लोग वो बगैर परमिशन के नहीं लिख सकते, मगर जो लोग रिटायर हो गए हैं और शायद 3 साल या कितना उसमें पीरियड है उसके बाद दे आर फ्री टू राइट आई हैव रिटन अ बुक इट हैज बीन पब्लिश्ड एंड इट हैज बीन सीन बाय एवरीबॉडी। ऐसा है कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ना उसको छापने के लिए। एनीथिंग विच अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन नॉट प्ले विद इट। नहीं, मेरे मुताबिक सही है वो। ओके ओके। देयर इज अ सर्टेन एरिया व्हिच वी शुड नॉट टच आफ्टर रिटायरमेंट। ओके। दैट द पब्लिक नीड नॉट नो आल्सो। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कंट्री। तो ये तो वो ऑफिसर्स थे जिनको ऐसा लगता है कि ये जो नियम और कानून थे ये पहले से बने हुए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर ये सही कानून है। लेकिन जो नियम 8(3)(a) की मैं आपकी बात आपको बता रही हूं, जो कि बार बार ये कहता है कि पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर कॉन्डक्ट रूल्स, इसकी जमकर आलोचना भी हो रही है खासकर उन अधिकारियों द्वारा जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जो जमकर सरकार के खिलाफ लिखते हैं, जो सरकार की सुरक्षा नीति पर खुलकर बोलते हैं। अब आपको बता दें कि इन अधिकारियों का ये मानना है कि ये जो नियम कानून आया है कि आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा तो ये एक तरीके का गैग ऑर्डर है आपका मुंह बंद कराने के लिए, डिसेंट को स्टाइफल करने के लिए कि कोई भी विरोधाभास है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो ये एक तरीके का ब्लैंकेट बैन है। और कुछ ऑफिसर्स ने ये भी कहा कि दिक्कत पेंशन नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि आपके अपने अनुभव जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे हैं अब आप उनके बारे में क्यों नहीं लिख सकते। इन चीजों को लेकर उन अधिकारियों ने सवाल खड़ा किया है कि आप अपने ही अनुभवों को लोगों से साझा क्यों नहीं कर सकते। मैंने एक नहीं बल्कि 8 से ज्यादा अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जो कि पूर्व प्रमुख रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, सीआरपीएफ के, रॉ के,
और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात कही कि भाई मेरी पेंशन तुम क्यों रुकवाना चाहती हो, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना कर दिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड अपनी कॉन्वर्सेशंस में कही कि आज जितने भी व्यूज किताबों में निकल रहे हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर इंटेलिजेंस को लेकर हो या किस तरीके से इंटेलिजेंस के अधिकारियों को पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे हमें ये पता चलता है कि सरकार की नीति क्या है सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो वो सारी चीजें लोगों को कैसे पता लगेगी, क्योंकि कोई भी किताब जब आप पढ़ते हैं तो उस किताब को पढ़ने के बाद उन अनुभवों के द्वारा चीजों को सुधारा जाता है, देश की जो आगे की नीति होती है उसको सुधारा जाता है। तो एक तरीके से इस तरीके का ब्लैंकेट बैन लगाना, लोगों को चुप कराना ये कह के कि उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, तो एक तरीके से ये एक गैग ऑर्डर है और इससे देश को खासा नुकसान होगा। अब आपको बता दें कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ है जनरल वीपी मलिक, उनका भी कुछ यही मानना था कि पेंशन दिक्कत नहीं है लेकिन हम अपने अनुभवों को क्यों नहीं साझा कर पा रहे हैं, तो उसको लेकर तमाम अधिकारियों को ये दिक्कत रही है। अब आपको एक और अधिकारी का नाम बताते हैं, जैसे एएस दुलाल जो कि फॉर्मर रॉ चीफ रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर सरकार ने इस तरीके का नियम बनाया है तो मैं इसके बारे में लिखूंगा, सरकार से इसको लेकर फॉलो अप करूंगा। लेकिन सिर्फ ये 26 ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी हैं, उनके लिए ही ये क्यों एप्लीकेबल है? ये जो नियम है पेंशन रोकने का, ये एक यूनिवर्सल नियम सारे अधिकारियों के लिए होना चाहिए। उसी तरीके से जो पूर्व बीएसएफ के जो प्रमुख रह चुके हैं प्रकाश सिंह, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरीके, और आपको ध्यान है कि प्रकाश सिंह ने पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर काफी काम किया था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा नियम लाना ही था तो उसमें 2 या 3 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड दे देते कि आप 2 या 3 साल तक नहीं लिख सकते, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो ये जो इस तरीके का ब्लैंकेट बैन है उसे नहीं लगाना चाहिए था, ये तमाम ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा। और जो मैंने कहा कि उनको यही लग रहा था, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने बात करने से मना कर दिया, उनको ये डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो फिर उनकी पेंशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझाना चाहती हूं कि ये जो नियम आपको मैंने बताया है 8(3)(a), सबसे जो चिंता का विषय है कि इस नियम को अमेंड कर दिया गया, उसमें संशोधन लाया गया है, लेकिन उसमें प्रोसीजर को डिफाइन नहीं किया है कि अगर आप पेंशन रोकेंगे तो आपको आपकी पेंशन को रोकने का आधार क्या होगा, उसको यहां पर बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब आपको बता दें कि जैसे किसी अधिकारी ने कोई चीज सेमिनार में बोली या किसी कॉन्फ्रेंस में बोली तो क्या उसकी पेंशन को रोक लगा दी जाएगी अगर वो सरकार के अनुकूल नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। दूसरी चीज जो मुझे ऑफिसर्स ने अपनी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कही कि जो कॉन्डक्ट रूल्स हैं, कॉन्डक्ट रूल्स किसी भी अधिकारी के ऊपर लागू होते हैं जब तक वो सर्विस में रहता है, लेकिन कई अधिकारियों का ये मानना है कि अब क्योंकि अब आपको हमेशा अगर कुछ लिखना है या प्रकाशित करना है उसके लिए परमिशन लेना होगा, तो क्या ये कॉन्डक्ट रूल्स आजीवन उन पर लागू रहेंगे? ये कितना कितना बड़ा न्याय होगा उनके साथ, ये एक एक और मुद्दा है। और तीसरी बात जो ये कही गई है कि अगर वो कुछ प्रकाशित करेंगे ऐसा वैसा जो कि सरकार के अनुकूल नहीं है, तो क्या सरकार उनको सजा देगी पेंशन उनकी रोक कर? क्या इसको पॉलिटिकली यूज नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको सीक्रेट फाइल्स का एक्सेस होता है, तो क्या गारंटी है कि ये जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ कोई इनको इनको सजा देने के मद्देनजर क्या सरकार इनका बेजा इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या कोई भी विरोधाभास को रोकने के लिए सरकार इनकी पेंशन को नहीं रोकेगी? इसकी क्या गारंटी है? तो इन तमाम जो डर है लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, उनको बिना अपना नाम बताए इन सारे ऑफिसर्स ने इन सारी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। एक ऑफिसर ने मुझसे ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कि मैं ये लिखना चाहता हूं कि जो पहले रॉ के चीफ थे आर.एन. राव, वो एक बहुत ही एक अमेजिंग पर्सनालिटी थे, बहुत ही अच्छे एक ऑफिसर थे, तो क्या इसको लिखने के लिए मुझे एक परमिशन चाहिए होगी? ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, मैं कोई मतलब मोटिव डिस्क्राइब नहीं करना चाहता कि ये स्टाइफलिंग ऑफ डिसेंट है या नहीं, लेकिन जो मेरा पॉइंट है, देखिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं और पहले से रूल्स हैं कि कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप नहीं जाहिर कर सकते अपनी राइटिंग्स वगैरह में, और
बाय एंड लार्ज ये रूल फॉलो होता है। जो लार्जर इश्यू है कि मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नहीं लिख सकते या लोग नहीं लिख सकते, आई थिंक यू नो उनका जो एक्सपीरियंस है वो अगर वो बताएंगे तो उसका फायदा ही होगा। सो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद यू नो इंटेलेक्ट इज बीइंग सप्रेस्ड, आई वोंट से डिसेंट या नॉट डिसेंट, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में मतलब इसका इम्पैक्ट जो है वो हम पर ही पड़ेगा, क्योंकि आप उनका एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं दे रहे, सस्पिशियसली देख रहे हैं उनको कि वो इस तरह से करेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत यू नो इट्स लाइक अ ब्लैंकेट बैन, पीपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते। आई थिंक देयर इज अ रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि पेंशन जो है इट इज फॉर सर्विसेज व्हिच यू हैव ऑलरेडी रेंडर्ड, जो आपने सर्विसेज करी हैं उसकी पेमेंट है। कोई मतलब वो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपका जो यू नो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपकी पेंशन लिंक है। तो आई थिंक देयर देयर कुड बी सम यू नो लीगल चैलेंजेस आल्सो टू दिस प्रोविजन, कि आप पेंशन को विदहोल्ड करने का थ्रेट कर रहे हैं फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी यू नो गिवन सो मच सर्विस टू द नेशन। उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, और उन्होंने इस बात को कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल्स थे वो पहले ही बहुत इनविजिबल थे, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उन्होंने शपथ ली हुई होती है, और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत किसी को सजा दे नहीं दे पाई, इसी वजह से वो इस तरीके के कड़े नियम और कानून लेकर आई है कि अब अगर आपने कुछ प्रकाशित किया या लिखा तब आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि हाल में बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी, कुछ ऐसे लेख लिखे जिससे ये लगता है कि सरकार की के जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं उनको रिवील किया गया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, सरकार सुरक्षा के मद्देनजर ये नियम कानून लेकर आई है, लेकिन सरकार इसकी गारंटी कैसे देगी कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ एक बहुत ही मैलिशियस तरीके से एक एजेंडा के तहत आप एक्शन नहीं लेंगे, क्या ऑफिसर्स की आप पेंशन रोकेंगे? अब ऑफिसर्स लिखने के पहले या कोई भी चीज प्रकाशित करने के पहले 10 बार सोचेंगे, तो इससे क्या होगा? हमें जो सुरक्षा के मद्देनजर जो किताबें आ रही थी, जो लेख पढ़े जा रहे थे, वो हमें उसके बारे में नहीं पता चलेगा, और सरकार जैसे मन में आएगा अपनी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर चलाएगी। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो भी हमें नहीं पता चलेगी। तो ये एक चिंता का विषय है। सुरक्षा के मद्देनजर ये नियम लाया गया है 8(3)(a) जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल के अधिनियम में बदलाव किया गया है, संशोधन लाया गया है, लेकिन ये एक तरीके का विरोधाभास को रोकने की भी कोशिश की गई है, अधिकारियों का मुंह बंद कराने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी अधिकारी या जो रिटायरिंग ऑफिसर है वो सरकार के खिलाफ कुछ ना लिखे, और अगर लिखेगा, उसने मुंह खोला, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज के समय में बेबाकी से बोलना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, उसकी सदस्यता लें, इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलू ऑन द मूव। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।